हेलो एवरीवन, वी आर बैक। और जो टेक्निकल इशू था वो आई थिंक सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था। आई एम श्योर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। ब्रेक पे जाने से पहले, ये एक तरीके का ब्रेक ही था, ब्रेक पे जाने से पहले हम लोगों ने कुछ फरमाइश की थी लोगों ने कि ना नैना लड़े लड़के दबंग 3 का गाना सुनाइए। तो उसकी, हालांकि वो गाना बहुत दिन हो गए मुझे गाए हुए, लेकिन उसकी कुछ लाइन्स मैं आपको सुनाता हूँ। दिल की बातें कही हैं उसने पलके झुका के, एक नजर उसने देखा हमको यूं मुस्कुरा के। हम जहां भी गए होंगे दारारा उनसे नैना लड़े लड़े रह गए, नैना लड़े के लड़े रह गए। दोस्तों, एक और बहुत ही खास बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज से 2 साल पहले एक गाना रिलीज किया था हम लोगों ने, तो ये सुबह नहीं, जो कि मेरा सिंगल था गाना। इस गाने का हम लोगों ने रिमिक्स वर्जन उस वक्त हम लोगों ने रिलीज किया था। कुछ दिन बाद हम इस गाने का एक रोमांटिक वर्जन एक अलग अरेंजमेंट के साथ में हम लोग रिलीज करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये कॉम्पोजिशन, बहुत अप्रिशिएट की। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये कॉम्पोजिशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी लगी, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि ना थोड़ी सी मुश्किल लगी। अब आप सभी लोगों का कहना है, बहुत सारे लोग मुझसे उम्मीद करते हैं कि भाई मैं कुछ ऐसी चीज़ सुनाऊँगा जो थोड़ी सी मुश्किलात में हो। तो मैंने ट्राई किया था, एक नया एक्सपेरिमेंट किया था, पर बहुत सारे लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया। तो गाने का कुछ ऐसा था, जी जी है ना, उस गाने के ना थोड़ा सा आपको मचलाता हूं मैं थोड़ा उस गाने के लिए कि वो गाना कौन सा था। बहुत सारे लोगों ने शायद नहीं सुना है। तुझे सुबह सुबह नहीं, तू नहीं, तुझे सुबह सुबह नहीं, आंखों में आ जरा मुझ में समा जरा, जा तू बना मुझे ख्वाब में एक सवाल आया है जो कि बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब देना तो बनता है। मुझे किसी ने पूछा है कि अगर आप हमेशा ही चाहते थे कि आप एक सिंगर ही बने। सभी लोगों को वैसे तो पता है, लेकिन फिर भी मैं ये बता देता हूँ कि मैं एक म्यूजिकल घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और एक म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो बचपन से आंखें खोली थी तो म्यूज़िक का ही माहौल मिला, और मेरे फादर ऑफकोर्स म्यूज़िक में थे, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो इंस्पायर होता ही, तो मैं इंस्पायर हो गया म्यूज़िक से। बचपन से म्यूज़िक के अलावा कुछ सोचा नहीं है, म्यूज़िक के अलावा किसी फील्ड में जाने का सोचा नहीं है। तो अगर मैं म्यूज़िशियन नहीं होता, सिंगर नहीं होता, तो शायद कुछ भी ना होता। और स्पोर्ट्स का मुझे बहुत शौक है, जैसे आजकल ना अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो सभी लोग हम लोग ऑफकोर्स प्रे कर रहे हैं कि
इंडिया वर्ल्ड कप दोबारा से मतलब तीसरी बार लेकर आए, और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी वक्त की नज़ाकत को भी देखना पड़ेगा, और वक्त हो चल रहा है कि आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन जल्दी ये वादा है कि आप सब लोगों से जल्दी 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 मुलाकात होती रहा करेगी। और एक बहुत ही ख़ास बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि दो साल से कोरोना से हम कोई फेस्टिवल नहीं मना पाए, लेकिन इस बार हम सब लोग मनाएंगे दिवाली बहुत हर्षोल्लास के साथ। सो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और पटाखों से बचिए और मिठाई खाइए ताकि आपकी ज़िंदगी में मिठास घुल सके।